अगरतला क्षेत्र में स्थापित केएसके वर्धा प्लांट के भू स्थापित कामगारों, प्रशासन और प्रबंधन के मध्य त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में किया गया। इस दौरान भू विस्थापितों ने अपनी परेशानियों और कंपनी की मनमानियों से प्रशासन को अवगत कराया। वहीं प्रबंधन ने भी शिकायतों के संदर्भ में अपना पक्ष रखा, जिसके बाद पुख्ता पहल के लिए कलेक्टर ने प्रबंधन को 30 दिनों का वक्त दिया है। बैठक में कलतरा विधायक चुन्नीलाल साहू भी मौजूद रहे। बैठक तो होती है, बस कोई निर्णय नहीं हो पाता, ठोस पहल। इस बार 30 दिन का समय मांगे हैं कलेक्टर साहब, एक ठोस निर्णय दिया जाएगा बोल के। हम लोग भी 30 दिन का समय देख रहे हैं। सारे भू स्थापित कॉन्ट्रेक्टर में स्थायी रूप से काम करते हैं, कल उस कॉन्ट्रेक्टर से उस कॉन्ट्रेक्टर भेज दिया जाता है। सारे भू स्थापित परेशान है, ना उनको कोई अच्छा वेतन दिया जा रहा है, ना कोई सुविधाएं दी जा रही है। देखिए, इस बार तो कलेक्टर साहब ने अच्छी पहल की। जो प्लांट के उच्च अधिकारी, जो अधिकारी आते नहीं थे कभी यहाँ पे, विगत मेरे ख्याल से 2-3 साल से जो अधिकारी नहीं आए थे, बड़े अधिकारी, तो वो लोग भी आए थे, तो एक अच्छी पहल हुई है और हमें उम्मीद है कि 1 महीने में कुछ ना कुछ परिणाम इसमें मिलेगा। बात रही, हमने पहले ही बात इस बात को कहा है कि इसके पूर्व अपने कलेक्टर साहब थे, वो भी बैठक कराए, समझौता कराए और बात अमल में नहीं लाते, मैनेजमेंट के द्वारा मानी नहीं जाती। उनकी एक शिकायत है कि हमसे जो वादे किए जाते हैं, हमसे लिखित में समझौता होता है, वो पूरा नहीं किया जाता। लेकिन उनका कहना था कि अभी 2 साल हुए प्लांट को चलाने में, अभी ऑपरेशन मेंटेनेंस में उनकी भर्ती की गई है, तो ये जब तक प्लांट चलेंगे तब तक उनकी नौकरी खतरे नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। और जो भी उनके आपके वेतन में वृद्धि है, समान काम समान वेतन की मांग कर रहे थे, तो ये भी बात रखी गई है। ऐसा उम्मीद तो कर रहे हैं इन्होंने, 30 दिन के अंदर कलेक्टर साहब ने समय भी दिया है।